असल नाजिन मैं हूँ क्रन खान नाजिन आज हम बात करने जा रहे हैं जो सियासी सनहरियो चल रहा है इसके हवाले से नाजिन परवेज़ हटक जो है एक पार्टी उन्होंने लॉन्च की जो कि लॉन्च होने से पहले ही जो है फ्लॉप हो चुकी है परवेज़ हटक ने किया इमरान खान से गद्दारी और वो गद्दारी उन्हें पड़ चुकी है भारी इमरान खान ने जो है परवेज़ हटक की जो है साजिश को खुद ही पकड़ा है वो ऐसे के इमरान खान के पी के तमाम रहनुमाओं से जूम मीटिंग कर रहे थे उनमें से एक रहनुमा ने इमरान खान से सवाल किया कि जनाब इमरान खान साहब आपने परवेज़ हटक को कौन सा टास्क दिया है और इमरान खान साहब कहते हैं हैरान भी हुए और कहा उन्होंने उन्होंने कहा मैंने तो परवेज़ हटक को कोई टास्क नहीं दिया तो वो जो रहनुमा था उसने इमरान खान को बोला कि परवेज़ हटक जी जो है सबको बोले जा रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे एक टास्क दिया है और वो टास्क ये है कि भाई पार्टी से जितने भी हमारे पीटीआई के लोग हैं वो सब अलहदा मेरे साथ जुड़ जाएं पार्टी से निकल जाएं कुछ अरसे के लिए मेरे साथ जुड़ जाएं और जब फिर दोबारा जो है पीटीआई की हुकूमत के पी में दोबारा इकतदार में आएगी तो वो दोबारा शमूलियत हासिल करें ये बात सुनकर इमरान खान जो है हंसे उन्होंने बोला मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा मुझे क्या पता तो फिर ये बात सुनते ही जो वो रहनुमा था जिसने ये बात इमरान खान के सामने रखी उसने बोला कि चलें अभी कॉल करते तो उसी जूम मीटिंग के दौरान ही उसने परवेज़ हटक को कॉल मिलाई कॉल मिलाई तो कहा जनाब आप तो कह रहे थे कि पार्टी एक पार्टी के हवाले से बात कर रहे थे तो जी बताइएगा तो इस परवेज़ हटक ने उसी उसी कॉल में जबकि इमरान खान सुन रहे हैं सुन रहे हैं ये सारे वाक़ तो उन्होंने बोला परवेज़ हटक ने कि हाँ बिल्कुल मुझे इमरान खान ने टास्क दिया था कि तमाम जितने भी पीटीआई के लोग हैं तीस हैं चालीस हैं वो मेरे साथ जुड़ जाएं कुछ अरसे के लिए और ये पीटीआई को जो है अभी छोड़ दें जब तक ये इकतदार में वापस नहीं आती बस ये सुनना ही था फिर क्या हुआ फिर इमरान खान साहब ने फ़ौर अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया फ़ोन किया और कहा कि कहा परवेज़ हटक को फौरी तौर पर पार्टी से निकाल दो अब जनाब परवेज़ हटक की पार्टी की अगर बात करें तो वो उस पार्टी में कोई बड़ा रहनुमा भी नहीं है और ना ही उस पार्टी की इतनी वर्थ है और अब जो है परवेज़ हटक को इमरान खान ने भी जो है निकाल दिया है इससे भी बड़ी बात और कि अब इमरान खान साहब ने परवेज़ हटक की जगह टिकट किसको दिया है ये बड़ी दिलचस्प बात है भाई जानना चाहेंगे ना आप लोग जब मुझे पता चला मैं भी बड़ी हैरान हुई थी लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानगी होगी परवेज़ हटक को ये जानकर कि उनकी जगह टिकट किसको मिला? उनके तो तोते ही उड़ जाएंगे जी और ये टिकट जो है ऐसे शख्स को मिला कि नाजिन आप भी कहेंगे कि बिल्कुल सही शख्स को मिला और वो परवेज़ हटक को टू जो है हरा सकता है चलें वो बंदा कौन है वो तो मैं नाम आपको बाद में बताऊंगी लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि परवेज़ हटक ने जो है इमरान खान को क्या बोला था परवेज़ हटक ने इमरान खान को बोला था कि जनाब आप मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ें और मुझे हरा कर दिखाएं। जिस पर इमरान खान का जवाब था कि मेरा लेवल इतना नहीं है कि मैं तेरे से साथ तेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन लडूं और तुझे हराऊं। तो इस पर इमरान खान ने जो परवेज़ हटक के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया है वो कोई और नहीं नादिया हटक है नाजिन आपने नादिया हटक को जो है देखा होगा जमान पार्क में अक्सर और अक्सर वो इमरान खान के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं उनके साथ ही होती हैं और के पी में उनकी इतनी वर्थ है उनका इतना वोट है के पी के तमाम लोग जो हैं नादिया हटक को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो अभी आगे क्या सुनहरियो होने वाला है इलेक्शंस होंगे और परवेज़ हटक क्या क्या बनेगा और परवेज़ हटक जब ये जानेंगे कि नादिया हटक को उनके मुकाबिल यानी उनके खिलाफ़ इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मिला है तो वो क्या सोचेगी एक जानब परवेज़ हटक की जो है साजिश सामने आई और दूसरी जानब जो है परवेज़ हटक के खिलाफ जो है इलेक्शन लड़ने के लिए ना दिया हटक को चुना गया आगे सिनेरियो क्या होता है क्या हालात बनते हैं तमाम अपडेट्स आपको देसी टी वी यू के प्लेटफॉर्म से मिलती रहेंगी और इसी तरह आप हमारे चैनल को देखते रहा करें मज़ीद अपडेट्स के साथ दोबारा हाज़िर होंगी अल्लाह हाफिज़